न्यूमेरिकल्स हैं हम इसके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के। पहला पहला न्यूमेरिकल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने दो तरीके से निकाला, करंट कैरिंग लूप का निकाला जिसका फॉर्मूला क्या था, करंट इंटू एरिया, वेक्टर फॉर्म में क्या था, आई इंटू ए वेक्टर। और मैंने बताया था कि अगर करंट कैरिंग लूप में करंट ऐसे घूम रहा है तो कैपिटल एम कहाँ होगा, ऊपर। करंट ऐसे घूम रहा है तो कैपिटल एम का ऊपर। और अगर मैं सेम यही पूछूं कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, सेम रूल है, करंट के साथ चार फिंगर घुमाओ तो एरिया वेक्टर ऊपर, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में एम वेक्टर। रूल क्लियर है यहां तक एम वेक्टर का, ठीक हो गया। तो करंट कैरिंग लूप के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला एम बी आई ए साइन अल्फा, या फिर करंट इंटू एरिया को एम लिख सकते हैं। तो एक टर्न के लिए एम बी साइन अल्फा, तो एम वेक्टर है, बी वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है। तो भी करंट कैरिंग लूप का मैंने बताया ना एम क्रॉस बी भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो करंट कैरिंग लूप में भी एम क्रॉस बी एप्लीकेबल है कैपिटल एम का फॉर्मूला। और कई बुक्स मैंने क्या बताया था, कैपिटल एम को क्या लिखती है, म्यू लिखती है, तो म्यू क्रॉस बी एप्लीकेबल है। तो एम वेक्टर आई इंटू एरिया वेक्टर है, म्यू वेक्टर आई इंटू एरिया वेक्टर, ये मैंने बता दिया। तो इसकी बेस पे पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। गिवन बी वेक्टर, आपको ना बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.3 टेस्ला अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये रहा जेड डायरेक्शन, ये रहा बी वेक्टर ऊपर की तरफ है अलोंग जेड डायरेक्शन। रेक्टेंगल साइड पता है 10/5 का रेक्टेंगल है, तो एरिया तो हम निकाल ही लेंगे इसका। कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर है, फाइंड टॉर्क इन वेरियस सिचुएशन, इसमें टॉर्क निकालना है। करंट कैरिंग लूप इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर टॉर्क लगेगा। ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एस आर अरोड़ा के अंदर भी है, प्रीवियस ईयर मेंस खोल लेना, सेम प्रॉब्लम आया हुआ है, दिखेगा आपको सेम प्रॉब्लम बिना वैल्यू चेंज किए। तो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक्स स्ट्रांग रखो। तो टॉर्क निकाल लें, टॉर्क का फॉर्मूला, ये इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बड़ा सिंपल जो मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, मैं ना स्केलर में काम करता हूँ, करंट जो स्केलर है उसमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू एम इंटू बी, एम बी साइन एल्फा, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, एम क्रॉस बी तो एम बी साइन एल्फा। आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड बोलो सिर्फ, क्या होगा वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एम क्या होता है, करंट इंटू एरिया इंटू बी इंटू साइन एल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, करंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, एरिया आप निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 0.3 टेस्ला, अल्फा बोलो क्या, अल्फा एंगल किसके किसके बीच में, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो एम वेक्टर कैसे ढूंढेंगे इसका, एम वेक्टर कैसे है, चार फिंगर करंट के साथ, तो एम वेक्टर कहाँ है, बोर्ड के बाहर, ऐसे ही है, चार फिंगर्स करंट के साथ, एम वेक्टर कहाँ है, बोर्ड के बाहर, बी वेक्टर कहाँ है, बी वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड, बी वेक्टर ऊपर है। अब एम वेक्टर बोर्ड के बाहर है, बी वेक्टर बोर्ड के ऊपर है, एंगल इनके बीच में 90, सही है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आई जाएगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में इसमें आई कैप जे कैप में पूछा जाता है, तो आई कैप जे कैप में देख लो, ये रहा आपको मान लो लूप है, ये रहा, मैंने बोला एम वेक्टर कहाँ है, आपने कहा बोर्ड के बाहर, ऐसी था ना, एम वेक्टर बोर्ड के बाहर था, बी वेक्टर कहाँ है, ऊपर, बी वेक्टर ऊपर है, क्या है पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है। अब प्लस वन का वेक्टर की डायरेक्शन ए क्रॉस बी या एम क्रॉस बी, एम वेक्टर कहाँ है, ये रहा, बी वेक्टर कहाँ है, ऊपर, एम क्रॉस बी, स्क्रू रूल, एम क्रॉस बी, थंब कहाँ रहे, इधर, एम क्रॉस बी, क्योंकि टॉर्क वेक्टर इज एम क्रॉस बी, तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थंब इधर है, थंब अगर इधर है तो इधर कौन सा कैप है, वाई कैप के ऑपोजिट कौन सा कैप आएगा, माइनस जे कैप। तो चेक कर लो फाइनल आंसर में मैग्नीट्यूड के पीछे माइनस जे कैप भी आएगा। ये पहला तरीका है, जिनको ये पसंद है वो ये यूज़ कर लें, नहीं पसंद कोई बात नहीं, फिर वो इस चक्कर में मत पड़ें, वो ऐसा करें वेक्टर फॉर्म यूज़ करें, वो यूज़ करें टॉर्क वेक्टर इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और म्यू वेक्टर या एम वेक्टर क्या होते हैं, करंट इनटू एरिया। अब बी वेक्टर तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है के कैप के लॉन्ग गिरा, अब म्यू वेक्टर क्या, एम वेक्टर क्या है, करंट इनटू एरिया, एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर तुम अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाओ तो थंब कहाँ रहे, बाहर, बाहर कौन सा कैप है, एक्स, तो पीछे क्या आएगा, आई कैप, तो एरिया वेक्टर क्या है, आई कैप है, तो एरिया तो अब निकाल ही लेंगे, पीछे आई कैप लगा दें। अब बी वेक्टर है,
म्यू वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, फिर रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आए क्रॉस के आपको सीधा माइनस जे मिलेगा आंसर। अब ये आपकी इच्छा है, पहला मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो सोचना पड़ेगा एम क्रॉस बी, इसमें कुछ नहीं करना, आप बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में करें, क्योंकि बी तो आपको वेक्टर फॉर्म में वैसे ही देगा वो। आप इसमें म्यू वेक्टर निकाल लें, एरिया वेक्टर वो थंब से निकली जाएगा एरिया वेक्टर, फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फिगर चेंज होगी, वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई, सिर्फ इतना चेंज है फिगर में, ये रेक्टेंगल पहले ऐसा था लंबाई में था, अब ये थोड़ा चौड़ाई में है। करंट वही है, बी वेक्टर वही है, एरिया भी वही है, सब कुछ वही है, कोई फर्क ना पड़ेगा, आंसर भी वही है, कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, एरिया वेक्टर चेंज नहीं हुआ, बी वेक्टर चेंज नहीं हुआ, बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, एरिया की वैल्यू चेंज नहीं हुई, करंट उसने चेंज नहीं किया, तो आंसर भी चेंज नहीं हुआ। तो क्लियर है यहां तक? ये चेंज है। अब उसने प्लेन चेंज कर दिया, प्लेन कैसे चेंज कर दिया, अब उसने डायग्राम ऐसा बना दिया, अब ये बताओ कि इसमें करंट कैसे है। देखो करंट इसमें ना बोर्ड के अंदर जाता दिख रहा है, ये लूप ऐसे है एक्स जेड प्लेन में ऐसे है, और करंट तुम्हें बोर्ड के अंदर जाता दिख रहा है, और अगर करंट बोर्ड के अंदर है तो थंब कहां आ रहा है, लेफ्ट, ऐसे ही है। तो अगर ये मान लो ये मेरी चार फिंगर ऐसे जाएंगी मेरे लूप में, तो थंब इधर आएगा, यानी कि माइनस जे कैप। तो एरिया वेक्टर जब बनेगा, एरिया वेक्टर या म्यू वेक्टर एक ही बात है, तो म्यू वेक्टर जो भी वैल्यू रखेगा उसके पीछे क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी कैसे, करंट इंटू एरिया से, करंट इंटू एरिया से मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, लेकिन पीछे क्या आएगा, माइनस जे कैप। तो वेक्टर समझ में आ रहा है, वेक्टर में क्या है, माइनस जे कैप। बी वेक्टर तो क्वेश्चन में वैसे ही गिवन है, तो लगा लेना क्रॉस प्रोडक्ट म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर आई कैप आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट है इसमें? और डायरेक्शन ही डायरेक्शन है पूरी गेम में, मैग्नेटिक में है ही कुछ नहीं, डायरेक्शन की गेम है, ठीक, इतनी है कि बंदा उलझ ही जाए, ध्यान से ना सुनने वाला तो उलझ ही जाएगा, पक्की बात है। समझ में आ रहा है यहां पर क्या रूल लगेगा? नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी फिगर नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे, उल्टा पेज प्रिंट हो गया, नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे चेक करो, फिगर रेफर करो, फिगर चाहिए होगी आपको, स्टेटमेंट ये रही, फिगर रेफर करो और देखो, सोचो क्या क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है 100 टर्न्स है, ठीक है, प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस, जेड के ऊपर रखा हुआ है, कॉइल कैरीज अ करंट, ऑफ करंट पता है, बी भी पता है, बी वेक्टर कहां पर है, जे कैप में, ये भी पता है, यानी कि 0.1 जे कैप है, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इफ साइड इज इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब ये कॉइल कुछ ऐसा था, ये ध्यान से देख लो, ये वाई, ये जेड और बोर्ड के बाहर एक्स, बी वेक्टर की वैल्यू तो फिक्स्ड है, जे कैप इधर बी वेक्टर है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक ना ये क्वाइल पड़ा हुआ था, और ये क्वाइल कैसे पड़ा है, एक्स वाई में एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा है, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी तरफ एक्स एक्सिस है, ये मैंने रख दिया, यहां रख दिया, तो जब मैंने यहां रखा तो मुझे सिर्फ ये बताओ एरिया वेक्टर कहां है, इधर, इधर क्यों, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है, बोर्ड के अंदर, ओके, एरिया वेक्टर पीछे है, सॉरी, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो एरिया वेक्टर
अगर ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है, अभी घुमाऊंगा, अभी घुमाया नहीं, उसने बोला 37 डिग्री घुमाया है, अभी घुमाने की बात ना करना, अभी सिर्फ एक्स पे रखे हैं ऐसे। तो अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो एरिया वेक्टर कहाँ है? ऐसे है। तो ये देखो एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर है। बी वेक्टर कैसे है? बी वेक्टर ऐसे है। तो एंगल इनके बीच में कितना है? 180। उसने कहा इसे, इस लूप को घुमा दो 37 डिग्री। ये देखो, ये देखो 37 डिग्री घुमा तो एरिया वेक्टर भी 37 घूम गया। तो पीछे से ये जो इधर वाला पेन है, एरिया वेक्टर है, 37 घूम गया। अब बोलो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल क्या बचा? 180 माइनस 37, सही है। तो एंगल क्या बचा? 180 माइनस 37। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा? एन बी आई ए या एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 37। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि बी वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल क्या है? 180 माइनस 37। तो आप चेक करो, यहां पर जब मैंने टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला तो बी एन बी आई ए गलत है, साइन ऑफ 180 माइनस 37 होना चाहिए। वो अलग बात है, मैथ वालों को पता है साइन ऑफ 180 माइनस 37 या साइन 37 बात एक ही आंसर सेम आता है। तो मैंने वैसे यहां 37 गलती की है, मुझे 180 माइनस 37 पुट करना चाहिए था। तो ये आंसर है, तो मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आ गया। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क तो आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसकी डायरेक्शन क्या मार्क करेंगे। देखो इसकी फिक्स डायरेक्शन तो मैं मार्क कभी कर नहीं पाऊंगा, मैं अंदाजे से बता सकता हूं कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में मार्किंग कैसे करनी है। आप मुझे ये बताओ कि जो टॉर्क, ये जो टॉर्क वेक्टर है वो एम क्रॉस बी है, बी वेक्टर तो फिक्स्ड है आपका जे कैप, तो ये तो आपका पक्का जे कैप है ही है, तो बी वेक्टर तो जे कैप में है ही है, सही है। अब आपका एम वेक्टर, म्यू वेक्टर या एम वेक्टर, एम वेक्टर की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के साथ है। अब एरिया वेक्टर क्या था आपका? ये आपका पेन एरिया वेक्टर था परपेंडिकुलर। जब आपने लूप को घुमाया तो ऐसे घूमा, ये ऐसे तो नहीं घूमा, ये ऐसे घूमा। और ये प्लेन आपका कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि जेड तो यहां पर है, यहां तो गया ही नहीं। जब ये लूप घूम रहा है तो एरिया वेक्टर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब आई कैप जे कैप में घूमेगा, तो यानी कि एरिया वेक्टर आई और जे में होगा। वो क्या होगा मुझे पता नहीं, पर आई जे में होगा। और अगर आई और जे में होगा तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना एम क्रॉस बी का, देखो ना एम क्रॉस बी का, कैसे? आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आंसर के कैप की फॉर्म में आने वाला है। ऐसे अंदाजे से मार्किंग करनी पड़ेगी आपको। तो समझ में आ रहा है, वो प्लेन देखना पड़ेगा एरिया वेक्टर का क्या प्लेन है, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट वहां से लेना पड़ेगा। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे? ठीक है यहां तक? ये क्वेश्चन देखो, ये दो तीन ना बहुत टिपिकल क्वेश्चन हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बस यही क्वेश्चन है जो दो तीन टिपिकल है, पहले वही करवा रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव के अंदर तंग कर सकते हैं आपको। क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड एल है और जिसमें करंट है आई, और वह ऐसे पड़ा हुआ है। फाइंड म्यू ऑफ अ लूप, कैपिटल एम, म्यू और कैपिटल एम एक ही बात है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, बस मुझे ये बता दो करंट कैरिंग लूप है इसका कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, और तो कुछ नहीं है। अब करंट इंटू एरिया में मेरे को एरिया वेक्टर अगर पता लग जाए तो करंट तो मुझे पता ही है कितना है इसमें, कितना आई करंट है, एरिया वेक्टर बताना है बस, आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो लूप है ना, ये ऐसी नहीं है, थोड़ी बाहर बोर्ड के बाहर है। कितनी बाहर है बोर्ड से? 30 डिग्री बाहर है, ठीक है। अब एरिया वेक्टर इसमें क्या होगा? स्क्वायर लूप है, मैग्नीट्यूड तो मुझे मालूम है एल स्क्वायर होगा, पर वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप में कैसे लिखना है वो नहीं मालूम, ये ध्यान से देखना। तुम एक काम करो, तुम इसका ए बी वेक्टर ले लो, एक साइड ले लो ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये बीसी वेक्टर। तो एरिया को मैं लिखूंगा, क्योंकि करंट बाहर आ रहा है तो ये ए बी वेक्टर लेना पड़ेगा, बी ए नहीं लेना, ए बी लेना है करंट की डायरेक्शन में। तो ए बी वेक्टर और बीसी में करंट नीचे जा रहा है, क्रॉस बीसी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर। आप कहोगे कि ये कैसे पता लगा कौन सी साइड लेनी है, तो
तुम्हें हमें क्या पता कौन सी एल और कौन सा पहला वेक्टर कौन सा दूसरा, ये कैसे पता कर रहे हो? मैंने तो इसको ऐसे पता कर लिया, देखो कॉपी देना, मैंने इसको ऐसे पता कर लिया कि ये मेरा एक लूप है, इसमें जो करंट है वो कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, ऐसे आ रहा है ये लूप, ऐसे ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मैंने अपने चार फिंगर घुमा के देख लिए तो कैपिटल एम इधर आएगा, चेक करो कैपिटल एम इधर आएगा, तो मतलब एरिया वेक्टर भी मुझे अंदर चाहिए। अब एरिया वेक्टर अंदर के लिए ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, देखो अपना राइट हैंड वेक्टर के रूल लगाओ, स्क्रू रूल, ए बी क्रॉस बी सी, देखो मेरा थंब इधर ही आ रहा है, देखो ना, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ कौन सा, ए बी का और बी सी का, ये रहा ए बी ये रहा बी सी, ये रहा ए बी ये रहा बी सी, तो ए बी क्रॉस बी सी लूँ तो थंब इधर आ रहा है, और मैं चाहते भी यही हूँ कि एरिया वेक्टर इधर ही आए, इसलिए मैंने एरिया वेक्टर ये लिया, इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है वैसे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये बात समझ में आ रही है? वैसे मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना कोई भी दो साइड ले लो आपका रूल हमेशा यही आंसर आएगा, करके देख लेना, कहीं पर भी दो साइड ले लो आप, कोई भी दो साइड ले लो पर ऑपोजिट मत लेना, करंट के साथ ले लेना। फिर कोई पूछेगा सर ये क्यों नहीं लिया, ऊपर क्यों लिया, ऊपर में कॉम्पोनेंट बनाने आसान है इसलिए लिया। देखो फिगर बनाने कितनी आसान है, ये भी वेक्टर है जिसकी लंबाई एल है, तो इसके कॉम्पोनेंट क्या आया, एल कॉस 30, और ये क्या आया, एल साइन 30, तो एल कॉस 30 की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, एल साइन 30 की डायरेक्शन जेड के अलोंग है, के कैप है। तो देखो ए बी वेक्टर को लिखना कितना आसान है, एल कॉस 30 आई कैप, एल साइन 30 के कैप, और ये लिखना कितना आसान है, बी सी वेक्टर नेगेटिव वाई के अलोंग है तो इसकी जगह एल माइनस जे कैप। ऊपर से ना वेक्टर बनाने आसान है इसलिए ऊपर के वेक्टर लिए, ले तो तुम ये भी सकते थे क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा क्रॉस, तुम कोई भी दो साइड ले सकते हो जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, पर तुम लो जिसके कॉम्पोनेंट बनाने तुम्हारे लिए ईजी हैं और वो ऊपर वाले हैं। तो अब तुम कर लो इसमें कि एरिया वेक्टर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, आई क्रॉस जे के क्रॉस जे, आंसर ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा, कम से कम एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, दिख भी नहीं रहा लग भी नहीं रहा ये तो। बट आइडिया समझ में आ रहा है आपको कि कैसे ये क्वेश्चन को किया जा सकता है।